ओल का सब्जी खाने से अगर गले में खुजली होती है तो आज के बाद बिल्कुल खुजली नहीं होगी। मैं इस तरह से ओल का सब्जी बताऊंगी जिसमें आप लोग को गले में बिल्कुल खुजली नहीं होगी, हाथ में भी बिल्कुल खुजली नहीं होगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। और मैं भी आप लोग को सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाने आई हूँ ओल का सब्ज़ी। देखिए ओल को बहुत आदमी सूरन नाम से भी पहचाना जाता है। ओल को काटने के लिए हाथ में अच्छी तरह से तेल, सरसों का तेल मालिश कर लीजिए ताकि हाथ के हथेली पर, उंगली में, नाखून में, सारा जगह ओल बहुत अच्छी तरह से तेल मालिश कर लीजिए ताकि वो फूल काटने के टाइम बिल्कुल खुजली नहीं हो। मैं दोनों हाथ में अच्छी तरह से मालिश कर ली हूँ और अब मैं ओल को छीलूँगी। छील कर रखी हूँ, इसका ऊपरी हिस्सा जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके काट कर रखना पड़ता है। ये एक टिप्स है। अब मैं इसको पतला पतला पीस करके रखी हूँ। अब इसको मैं 4 बार 5 बार पानी से मैं वॉश कर लूँगी। आलू भी थोड़ा सा छील कर रखी हूँ। आलू और ओल को मैं खूब अच्छी तरह से वॉश कर ले रही हूँ। वॉश करने के बाद मैं इसे थोड़ा स्टीम लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, कुकर में मैं पानी बॉयल हो रहा है उसमें मैं ओल और आलू को एक साथ डाल दूंगी और इसका जो झाग आएगा ना फ्रेंड्स, वही खुजली भगाने का काम करता है। इसे मैं एक स्टीम लगा दूंगी ताकि ओल और आलू दोनों कुक हो जाए और कुकर से निकाल के मैं अच्छी छान कर रख दूंगी। अब मैं थोड़ा अदरक, लहसुन, तेज़पत्ता और सूखा लाल मिर्ची का मैं थोड़ा एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी। ये मैरिनेट, ओल को मैरिनेट करने का काम आएगा। ओल को मैरिनेट करने का काम आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका फाइन पेस्ट मैं तैयार कर ले रही हूँ और ओल को भी मैं निकाल के पानी झाड़ कर रखी हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा नमक, हल्दी और थोड़ा 2 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर मैं डाल दे रही हूँ और ये सूखा मसाला जो था लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है उसको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। डाल के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके मैं थोड़ा रखी हूँ। अब मैं मैरिनेट करके रखी हूँ। अब मैं एक मसाला तैयार कर ले रही हूँ। धनिया, जीरा, गरम मसाला, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है। लौंग को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इसमें लौंग अगर ओल में ज़्यादा मात्रा में लगेगा तो उसको खुजली भगाने का काम आएगा फ्रेंड्स। और मैं तेल गरम कर ले रही हूँ। तेल गरम करके मैं सारा ओल मैं डाल दी। ओल को मैं सरसों तेल में मैं फ्राई करूँगी और ओल सरसों तेल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने पर। देखिए मैं सारा ओल को मैं डीप फ्राई कर ले रही हूँ। अब आलू को भी मैं नमक हल्दी डालकर रखी थी उसको भी मैं डीप फ्राई कर लूँगी। आलू और ओल पूरा डीप फ्राई हो जाने पर मैं फिर कढ़ाई में थोड़ा और तेल ऐड करूंगी। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल लगता है सब्ज़ी में। अब थोड़ा सा मैं जीरा और तेज़पत्ता का मैं फ़ोरन लगा दी और 4 बड़ा साइज का प्याज है इसको मैं तेल के साथ बहुत अच्छी तरह से मैं फ्राई करूंगी। एकदम लाल करके मैं इसका फ्राई करूंगी। लाल करके, देखिए प्याज पूरा लाल करके फ्राई हो गया है। अब मैं जो मसाला बना कर रखी थी, धनिया जीरा का पेस्ट बना के रखी थी उसको मैं इसमें अब मैं थोड़ा डाल दूंगी। ये लौंग जो होती है ना फ्रेंड्स, एक खुजली भगाने का बहुत उपकार में आता है। अब मसाला को मैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ प्याज के साथ। अब मैं इसमें पानी थोड़ा डाल दूंगी, अपना स्वाद, अपना ज़रूरत अनुसार पानी डाल दे। ये सब्ज़ी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है और इसका झोल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। और मैं पानी डालने के बाद थोड़ा बॉयल आ जाने पर मैं सारा ओल इसमें डाल दे रही हूँ।
डाल के मैं फिर इसमें थोड़ा चला दूंगी और मैं थोड़ा 10 मिनट मैं इसे सीम आंच में मैं छोड़ दूंगी ताकि इसका कलर बाहर आ जाए और खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। ये ऐसा बना के देखिए फ्रेंड्स, नींबू का, इमली का, किसी चीज़ का आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, और एकदम गले में खुजली नहीं होगी। इस तरह से एक बार बना के खाइए फ्रेंड्स। आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है लाइक शेयर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, मुझे उत्साहित करिए।